हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ HSAB, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं कि इस पार्ट टू में हम देखेंगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस होते क्या है। हम पहले पढ़ेंगे कि क्लास ए मेटल आयंस कौन से होते हैं, क्लास बी मेटल आयंस कौन से होते हैं, फिर हम क्लास ए के लिगेंड्स पढ़ेंगे, फिर उसी के हिसाब से क्लास बी के भी लिगेंड्स पढ़ेंगे। सो एक छोटी सी रिविजन दे देते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लुईस कंसेप्ट क्या होता है। लुईस कंसेप्ट में एक जो एसिड है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बेस है वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यहां पर हमारे जो मेटल आयंस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सो यहां पर क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग मीन्स कि कोई एटम जो कोई आयन है वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, उस हिसाब से हमारे पास जो है क्लास ए और क्लास बी में डिवाइडेड होते हैं मेटल आयंस। सो यहां पर हम देखेंगे कि क्लास ए के मेटल आयंस कौन से होते हैं। क्लास ए, सो यहां पर हम पढ़ रहे हैं मेटल आयंस, राइट। सो लेट मी राइट ऑल द मेटल आयंस हियर। उसे लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेटल आयंस क्लास ए के होते कौन से हैं, उसमें कौन कौन से मेटल आयंस आ सकते हैं। मेटल आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स हमने देखे ग्रुप वन के एलिमेंट्स सारे उनके आयंस, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप टू के, ठीक है, जो कि एस ब्लॉक है सारा, मतलब एस ब्लॉक के सारे आयंस जो हैं वो क्लास ए मेटल आयंस में आ सकते हैं। फिर हमारे पास लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स आ सकते हैं, लाइटर मीन्स जिनका मास ज्यादा नहीं है, जो कि लेस मास वाले एलिमेंट्स हैं, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन वी हैव कि ये लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, इन देयर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो हमें ये चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। और एक और बात याद रखनी है, क्लास ए मेटल आयन में एक स्पेशल मेटल आयन है जो कि एच पॉजिटिव है, सो इसको हमने नहीं भूलना। सो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लाइक टाइटेनियम का 4 पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव हो तो वो क्लास बी मेटल आयन में आ जाएगा। क्रोमियम का 3 पॉजिटिव, ये भी उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन का भी 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट का भी 3 पॉजिटिव, मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मैंने यहां पर दिख दिए। सो लेट मी राइट कि क्लास बी के मेटल आयन्स कौन से हैं। सो आई एम राइटिंग हियर क्लास बी। सो क्लास बी में जो मेटल आयन्स हमारे पास आएंगे उनकी जो कैटेगरीज है हमारे पास, वो कह सकते हैं कि हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक जो भी एलिमेंट्स हैं जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होते हैं, हमें पता है ना ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक है उसकी फर्स्ट सीरीज 3D होती है, फिर 4D वाली सेकेंड सीरीज, फिर 5D वाली थर्ड सीरीज। सो सेकेंड थर्ड सीरीज वाले जो ज्यादातर एलिमेंट्स आते हैं वो क्लास बी मेटल आयंस में रहेंगे। और क्लास बी मेटल आयंस में हमारे पास एग्जाम्पल्स देख लें उनकी, एक और स्पेशल बात है कि इनकी जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर आएंगे Hg2 पॉजिटिव, मर्क्यूरिक आयन, पैलेडियम आयन, प्लेटिनम आयन, फिर कैडमियम आयन, राइट। और कुछ जो जो हमारे पास लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और उनकी भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो हम लिख सकते हैं लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने एब्रिवेट कर दिया बाय OS। सो इनके एग्जांपल्स होते हैं लाइक कॉपर आयन Cu पॉजिटिव, सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव, Hg मतलब मर्क्यूरी का आयन, ठीक है। सो मर्क्यूरियस आयन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट है, सो वो तो आएगा ही आएगा, उसके दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले यहां पर आएंगे। सो ये हमारे हो गए मेटल आयंस। अब इन द सेम वे हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो भी क्लास ए और क्लास बी में आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद क्लास ए लिगेंड्स, राइट। सो ये हमारा क्लास ए लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास ए लिगेंड्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स और आयंस आ सकते हैं जिनमें जो डोनर एटम है, जिनमें जो डोनर एटम है दैट मस्ट बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम है वो
क्लास ए लिगेंड्स में आएंगे। अब इनका ही एक देख लेते हैं कि क्लास ए लिगेंड जो है क्लास ए मेटल आयंस के साथ प्रेफरेंशियली बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर बोथ कैटेगराइज्ड एज क्लास ए। अब हम देख लेते हैं क्लास बी के लिगेंड्स कौन से हैं। अगर मैं देखो क्लास बी में जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स या आयंस आएंगे उनके पास जो डोनर एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस आएंगे उनके पास जो डोनर एटम्स हैं वो होने चाहिए फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम देन आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्लास बी वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो क्लास बी के ही मेटल आयंस के साथ कंबाइन करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी समझिए यहां पर कि हमारे पास क्लास ए क्यों बनी है, क्लास बी क्यों बनी है, दैट इज वाई कि ये दोनों इकट्ठे ही कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्लास ए को याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्लास ए में आएंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्लास बी में लिगेंड्स आएंगे। सो हमने ये लिगेंड्स पढ़ लिए। अब देखो जो भी अगर हमारा एक ग्रुप है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हमारा एक ग्रुप है समझ लो ग्रुप 15, राइट, तो ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आ रहे हैं, राइट। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है बहुत जल्दी क्लास एक मेटल आयन के साथ कंबाइन करेगा ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक और देन एंटीमनी। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलूरियम। मतलब आप देखिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बहुत जल्दी कंबाइन करता है, उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है क्लास ए के साथ कंबाइन करने की, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है। पर लेकिन यही वाले एटम्स को हमने याद रखना है कि इनकी प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी। सो वी हैव टू लर्न दिस। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन हियर। सो मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा एंड उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। सो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन केरला बोर्ड का है। सो वहां पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं कि यहां पर हमने चार चीजें दी हुई हैं, इन चारों को मतलब हमने एक आयन को दो जगह पर क्रॉस कराना है, मतलब एक जो ये लिगेंड दिया हुआ है इसके साथ दो आयन्स कंबाइन कर सकते हैं। सो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सॉल्व करिए एंड देन आई विल सॉल्व इट। सो आई गेस यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट। सो लेट मी सॉल्व दिस। लाइक देखिए यहां पर टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, राइट। सो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव मतलब हमारे पास क्लास ए का आयन है, ठीक है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा क्लास ए का आयन होता है, जैसे ये वाला। अब ये है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, लेकिन ये हैवी एलिमेंट है, सो ये क्लास बी का हो गया। ये भी क्लास बी का है, सिल्वर आयन, राइट, और इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट है। सो यहां पर हमने देख लिया कि ये जो दो हैं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो दीज आर क्लास ए मेटल आयंस। सो हमने देखना है क्लास ए का लिगेंड कौन सा है। अब हमें यहां पर इनके जो ये लिगेंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए, सो स्ट्रक्चर्स हमने पहले ड्रॉ करके देख लेने हैं। अमोनिया, राइट, अमोनिया का हमें स्ट्रक्चर पता है NH3 एंड देन थायो ईथर। थायो का अगर आपको ईथर का मतलब ज्यादा ना भी समझ आए, थायो का मतलब हमेशा सल्फर याद रखना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम ये पढ़ेंगे। और थायो ईथर का मतलब होता है R2S, मतलब हमने एक ईथर बनाना है, जैसे ईथर होता है ROR, सो यहां पर RSR होता है थायो ईथर, राइट। अगर हमारा सल्फर है तो सल्फर हमने याद किया था क्लास बी में होता है, और नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लास ए में होता है। सो दीज टू आर कंबाइंड हेयर एंड दीज टू आर कंबाइंड हेयर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आर आस्क्ड, बट लेकिन आपको ध्यान देना होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको याद रखा जाए। सो ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि मेटल आयंस की क्लासिफिकेशन इनटू एसिड्स एंड बेस कैसे हो सकती है। सो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।